हेलो एवरीवन, देखिए अब हम करते हैं एग्जांपल 3.3। देखो इसमें क्या कहता है, ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। देखो यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस से आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करना है, और ये हमें पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही यूज होती है इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो आपको अगर याद हो, जब मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी इस चैप्टर की, तो वहाँ पर मैंने ये करवाया था कैलकुलस, या फिर मैंने वहाँ पर लिखा था इंटीग्रेटिंग मेथड से, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन वाली मेथड से भी बोल सकते हो या कैलकुलस से भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी, फर्स्ट क्या थी हमारे पास, वी इज इक्वल टू में यू प्लस में ए टी। वी क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटी होती है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए हमारा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन और टी हमारा टाइम होता है, ठीक है। दूसरी क्या थी हमारे पास, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। एस इज डिस्प्लेसमेंट, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की। और थर्ड क्या थी हमारे पास बताओ, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में टू ए एस, ये थी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों इक्वेशन, और इसमें भी ये पता चल गया आपको, v क्या है हमारी, फाइनल है वेलोसिटी, u है इनिशियल, a है यहाँ एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, s इज अगेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन हमें यहाँ पर ड्राइव करनी है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। तो देखो हम यहाँ पर चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो हम फर्स्ट ड्राइव करते हैं सबसे पहले। तो देखो फर्स्ट हम ड्राइव करेंगे, तो आपको पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था, एक a इज इक्वल टू में डी वी बाई डी टी, याद आया कुछ। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बॉन्ड में चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते थे, डी वी बाई डी टी लिखते थे, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो यहाँ से अगर हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी टी को ए डी टी के साथ, तो ये आ जाएगा ए डी टी, ठीक है ना। मतलब डी टी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी टी, और ये रहा आपके पास डी वी। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी वी इज इक्वल टू में ए डी टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेशन करनी है इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। व्हेन, व्हेन हम यहाँ पर क्या है, देखो लिमिट्स लेंगे इंटीग्रेशन में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि व्हेन टाइम चेंजेस, जो टाइम चेंज होगा, चेंजेस सपोज करो जीरो टू टी टाइम तक, ठीक है। और जो वेलोसिटी चेंज होगी इसमें, और वेलोसिटी जो चेंज होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन तो यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जो चेंजेस होगी, वेलोसिटी चेंज या चेंज कहाँ से कहाँ बताओ, इनिशियल टू फाइनल, तो u टू v, इनिशियल वेलोसिटी u होगी और फाइनल उसकी v होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन लगाएं, dv के लिए ये इंटीग्रेशन लगा दी, a dt इसके लिए ये इंटीग्रेशन लगा दी। अब देखो जरा यहाँ पर ये है वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में वेलोसिटी का कहाँ से कहाँ जा रहा है, लिमिट यू से वी, बिकॉज ये चेंज हो रही है इनिशियल टू फाइनल। अब यहाँ टाइम के लिए अगर हम बात करें, तो टाइम जीरो है इनिशियल, और फिर पर्टिकुलर एक टाइम टी तक हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और ए क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है, ए इज कॉन्स्टेंट, क्लियर। अब देखो जरा डी वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी होती है, क्या होती है, वी होती है। जैसे आपको याद हो इंटीग्रेशन में अगर हम लिखते थे डी एक्स, तो हम इसकी इंटीग्रेशन क्या बोलते थे, ये हो जाएगी एक्स, या फिर ऐसे कुछ भी मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया डी एफ और इसकी इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। इस तरीके से आपको पता है, देखो इंटीग्रेशन वाली कहानी आप पढ़ लेना, मैंने आप प्लेलिस्ट में बनाई हुई है आपके पास बेसिक मैथमेटिक टूल्स की वीडियो, उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट देख लेना, तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन ये सिंपल सिंपल ही है इंटीग्रेशन। तो डी वी की इंटीग्रेशन वी हो जाएगी, और यहाँ पर ये लिमिट्स एज इट इज़ पुट करेंगे, ये वी और ये यू, अपर अपर और लोअर लोअर में आ गई, ठीक है। अब a तो क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो a तो हमने बाहर ले लिया, और dt की इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से t। जैसे मैंने कहा dv की इंटीग्रेशन v आई, तो dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी बताओ, क्या जाएगी, t आ जाएगी, और इसकी लिमिट भी 0 से t। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन इसका कट जाता है, तो सिंपल ये बचता है, वैसे ये चीज़ होती है इसकी, ठीक है। उल्टा ही है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहाँ ये डिफरेंशिएशन में है, तो ऊपर से इंटीग्रेशन लग गया, तो इससे कट हो जाता है। इस तरीके से आता है ये समझने के लिए आपके। और यहाँ पर देखो जरा, अब जब हम लिमिट पुट करते हैं, ये वैसे तो आपको पता है अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये वी है, ये भी वी है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वी में वी पुट दिया, अब यहाँ पर है ऐसे तो करना पड़ेगा। अब मान लो अगर यहाँ पर वी और ये ऐसे होता, ए होता यहाँ, यू होता, तो मैं अपर लिमिट वी में पुट करता पहले, तो ए आ जाता, और लोअर पुट करता तो यू आ जाता। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से पुट होती है। अब यहाँ ऑलरेडी क्या है, वी है, तो ऑब्वियसली बात है वी में वी पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, वी ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो v आया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है यहाँ पर,
पी वी माइनस यू आ गया। सेम यहाँ पर भी कहानी हो जाएगी, अपर लिमिट टी में टी पुट करेंगे और लोअर लिमिट फिर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगी, ठीक है। और ये वी माइनस में यू तो आपका चल ही रहा है, क्लियर है इतनी बात, बताओ सिंपल सी बातें। अब देखो यहाँ पर ये v माइनस में u इज इक्वल टू में ये a इंटू में ये t हो गया और ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का जीरो ही बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये v माइनस u इज इक्वल टू में ए टी बना, तो यहाँ से मैं v इधर ही रहने दूंगा, u इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का ए टी यहाँ लिख देंगे। तो ये देख लो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, v इज इक्वल टू में u प्लस में ए टी कर दी हमने यहाँ पर ड्राइव। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ सिंपल है ना कहानी, मुश्किल तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, देखो जरा हमारी सेकेंड इक्वेशन पे। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखो कई बच्चे ना एनसीईआरटी की बुक में देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे यहाँ पर तो v इज इक्वल टू में v नॉट प्लस ए टी लिया हुआ है बुक में, तो जो ड्राइव किया हुआ है तो वहाँ उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी को u की जगह क्या लिख दिया, v नॉट लिख दिया, कोई वो नहीं है दिक्कत, ठीक है ना। वहाँ u की जगह क्या लिखा हुआ है, v नॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना इतनी बात, तो ये आप ध्यान रख लेना, कोई ये गलत नहीं है, ठीक। सेकंड क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जो कि क्या होती है हमारे पास, v इज इक्वल टू में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो ये डी टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा आपके पास v डी टी इज इक्वल टू में डी एक्स, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम डी एक्स इज इक्वल टू में v डी टी। अब इसमें भी इंटीग्रेशन ही करेंगे, तो देखो जरा यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लेनी है हमें, वो किसकी लेनी है, एक तो लेनी है डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये पोजीशन वाली की, और एक लेकर चलनी है हमें टाइम की, ठीक है। अब आप कहोगे वेलोसिटी की क्यों नहीं लेकर चलते हैं यहाँ पर, देखो जो हमें ड्राइव करना है ना उसमें हम वेलोसिटी की ना लेकर अगर टाइम की और यहाँ इसकी लेकर चलेंगे डिस्प्लेसमेंट की तभी होगा। और ये याद रखने का तरीका क्या है, जो हम सेकंड इक्वेशन देखें ना अपनी, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसकी लेनी है लिमिट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की लेनी है। जो ऊपर वाली थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी कौन सी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम कह रहे हैं तो यहाँ पर देखो हमने वेलोसिटी की लिमिट ली और टाइम की ली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं अपनी, वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को। और सेकंड को हम क्या बोलते हैं अपनी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और अलग से पेपर में ड्राइव करना भी आ जाता है कई बार डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम वाली, सेकंड है, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम रिलेशन अलग से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखो इंटीग्रेट करना है हमें बोथ साइड्स को, इसमें भी आपको क्या लिखना है, व्हेन इंटीग्रेशन जब करनी है हमें तो लिमिट्स भी तो लिखनी पड़ेंगी ना, तो जो इसमें है हमारा जो टाइम चेंज होता है, व्हेन टाइम चेंजेस जीरो टू टी, क्लियर, टाइम के लिए तो ये कहानी है। और जो हमारी एंड जो डिस्प्लेसमेंट है या यहाँ पर डिस्टेंस हम बोलें, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंजेस, वैसे तो ये पोजीशन एक तरह से आप बोल दोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन की हम बात करते हैं तो हम कैसे निकालते थे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, तो हम कहते थे फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, वो होता था मेनली, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट चेंजेस फ्रॉम हम क्या लिखें इसमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो वो चेंज हो रही है आपकी इनिशियल टू फाइनल, तो मैं एक्स नॉट इनिशियल ले रहा हूँ और आपकी जो फाइनल ले रहा हूँ वो एक्स ले रहा हूँ पोजीशन, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स माइनस एक्स नॉट बनेगी, वो अभी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। मेनली ये बात समझ में आई। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन जब लिखेंगे इसकी, तो डी एक्स की इंटीग्रेशन कर दी, इधर से वी डी टी की इंटीग्रेशन करी। अब देखो यहाँ टाइम के लिए जीरो से टी चलेगा और यहाँ डी एक्स का चलेगा आपके पास एक्स से, सॉरी एक्स नॉट से एक्स चलेगा, इनिशियल टू फाइनल चलता है ना हमारे पास, क्लियर है। अब कहीं सोचेंगे यहाँ वी का क्यों नहीं लिया, तो वही कहानी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे देख लो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट की लेनी है और टाइम की लेनी है। वी की लेंगे तो ड्राइव नहीं होगा, ये पहली तो ये बात है, ये थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ता है इसमें। तो टाइम के लिए जीरो से टी लेके चलेंगे। अब देखो v हम बाहर नहीं रख सकते, क्यों, जैसे a बाहर रखा था क्योंकि v कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन v की वैल्यू पता है हमें u प्लस at है, तो v के अंदर t है इस फॉर्मूले में, तो यानी कि अगर मैं v की वैल्यू u प्लस at रख दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज v को मैं बाहर नहीं रख सकता क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर a को बाहर रख दिया था क्योंकि वो तो कांस्टेंट था, v कांस्टेंट नहीं है, तो v की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं अगली कहानी में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से समझ लेना। देखो dx
कहाँ से कहाँ चल रहा है ये, एक्स नॉट से एक्स इज इक्वल टू में वी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर वी इज इक्वल टू में यू प्लस ए टी वाला, तो यू प्लस ए टी लिख दिया यहाँ पर हमने ये, ठीक है, और साथ में है डी टी और ये जीरो से टी चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से यू इंटू में डी टी, इंटीग्रेशन यू इंटू में डी टी जीरो से टी प्लस में ये ए टी की इंटीग्रेशन ए टी और साथ में डी टी मल्टीप्लाई हो गया, समझ रहे हो ना। देखो यू डी टी करते ए अपना ये क्या है हमारे पास ए टी इंटू में डी टी करते है ना, और इंटीग्रेशन तो दोनों की है तो इंटीग्रेशन ऐसे आ गई और यहाँ पर भी ये जीरो से टी ही चलेगा। डी एक्स की इंटीग्रेशन अगेन एक्स होती है, ठीक है, और इसकी लिमिट चल रही है एक्स नॉट से एक्स, ये बार बार मैंने आपको बताया एक्स क्यों होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो यू है और ये डी टी है, अब ये यू है इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम बाहर रख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर टाइम की लिमिट दी हुई है, ठीक है ना। तो ये यू हो गया, ये डी टी जीरो से टी प्लस, अब यहाँ ए तो कॉन्स्टेंट है हमें पता ही है, बाहर आ जाएगा ये, ठीक है, और ये हमारे पास चलेगा डी टी और जीरो से ये टी। अब देखो v में तो हमें पता था u प्लस ए टी एफ हमारा रख दिया, अब u में तो हम क्या पुट करेंगे, तो u को हम बाहर ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन है t का और ये लिमिट जीरो से t चल रही है, तो t को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं dt वाली टर्म को, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ए टी था तो a तो कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा और t को ही इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर साथ में t भी आएगा, ये रहा t, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर तो आपको पता ही है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा u है और dt की इंटीग्रेशन इज t और ये जीरो से t चल पड़ा प्लस में, ये देखो अब जरा ये a है, t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बताओ, t स्क्वायर बाय 2, पता है ये कैसे आई, देखो जिनको नहीं पता वो समझो, देखो x से समझो, जैसे x dx है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन है तो x की पावर यहाँ 1 है ना, तो इसमें एक ऐड करते हैं और ये जो लिमिट जो ऊपर पावर होती है वही नीचे आती है। अब जैसे यहाँ होता x क्यूब dx इंटीग्रेशन, तो क्या होता x की पावर ये 4 हो जाती है और नीचे ऐसे 4 हो जाता है, ठीक है, लेकिन x और ये dx ही होना चाहिए यहाँ, अगर ऐसे होता ना x क्यूब और dt, तो x क्यूब और ये dt की इंटीग्रेशन है तो x क्यूब बाहर जाता और dt की इंटीग्रेशन होती सिर्फ t, इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। तो ये सब चीज़ें आपको इंटीग्रेशन के पार्ट हैं, ये सब याद होना चाहिए आपको कि कैसे क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं दोबारा से यहाँ पर अपनी, तो ये x माइनस में ये x नॉट हो गया, ठीक, और यहाँ पर कर लो इसको u और ये t माइनस में ये जीरो आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करी फिर लोअर लिमिट, ये a हो गया और ये 2 भी मैंने बाहर लिख लिया। अब ये t स्क्वायर बचा तो t स्क्वायर में t पुट करेंगे तो t स्क्वायर और जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, क्योंकि 2 बाहर ले गए थे तो t स्क्वायर ही है अंदर, अब ये समझो। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा u इंटू में t यू टी और u इंटू जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा इसको छोड़ो, प्लस में a बाय 2 और ये मल्टीप्लाई हो गया टी स्क्वायर से, ये आ गया और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, तो इतना आ गया ये हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, ठीक है। और एक्स माइनस एक्स नॉट इज व्हाट बताओ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं एस से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए के नीचे 2 है तो ये हाफ ही है, तो ये ऐसे हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर आप पीछे देखोगे ना, मतलब पीछे इन द सेंस कि जो आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी की, तो उसमें जैसे ही x माइनस एक्स नॉट है ना, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको s नहीं बनाया उसने, x इज इक्वल टू में ये एक्स नॉट भी इधर ले गए, तो यहाँ अगर एक्स नॉट इधर ले जाते तो यहाँ पर क्या बनता, x इज इक्वल टू में एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उधर लेके जाओगे तो ऐसे ही बनेगा फिर, ठीक है ना। तो उसने इस तरीके से किया हुआ, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। बात करते हैं हम थर्ड जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब जो थर्ड इक्वेशन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर देखो ए जो है हमें पता है क्या होता है, डी वी बाय डी टी होता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो इसको देखो हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, देखो ये जो डी एक्स बाय डी टी है ना, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वी बन जाएगा, तो देखो ए डी वी और ये वाला डी एक्स इसके नीचे लिख दिया और डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया हमारा वी, बिकॉज वी इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो वो लिख दिया हमने इसको वी कर दिया क्योंकि डी एक्स बाई डी टी को वी लिख दिया और ये डी एक्स डी वी के नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होगा क्या, ये ए इंटू में डी एक्स हो जाएगा इधर और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, ये अपना वी और ये डी वी है, ठीक है। अब देखो जरा ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं इसको, टाइम रिलेशन।
इसलिए ये सब किया कि हमारे पास ये आ जाए, इधर से ये dx पोजीशन की कहानी आ जाए और इधर से ये हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी ये क्या है हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी होता है, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। तो एक आ गई हमारे पास पोजीशन और इधर से वेलोसिटी आ गई, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक। अब इसको भी इंटीग्रेट ही करना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो इंटीग्रेशन करनी है जब हमें, तो मैं लिख दूँ यहाँ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इसमें भी देखो हमारे पास, हमें लिमिट अब पता चल ही चुकी हैं कि जो हमारे पास जो पोजीशन है या जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी चलती है हमारे पास इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल एक्स नोट है और पोजीशन फाइनल एक्स है, और यहाँ पर वी डी वी है, इधर इंटीग्रेशन चलती है हमारी इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ए तो हमारा बाहर आ जाएगा और डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और इसकी लिमिट हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर भी यही होगा, देखो किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पर भी देखो वी की इंटीग्रेशन क्या होगी बताओ, वी की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमके पास वी स्क्वेयर बाई टू, जैसे यहाँ टी की थी ना, ठीक है ना, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाई टू, ऐसे वी की क्या हो जाएगी वी स्क्वेयर बाई टू, और ये लिमिट हमारी आ जाएगी यू से वी। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये लिमिट पुट करते हैं, ए अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, और यहाँ पर ये टू मैंने बाहर ले लिया, वी स्क्वेयर बचा अंदर, तो वी स्क्वेयर में वी पुट करेंगे तो वी स्क्वेयर, यू पुट करेंगे तो माइनस का यू स्क्वेयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे पुट कर दी। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, ये टू इधर चला जाएगा, टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट को क्या लिख दूँ मैं बताओ, एस लिख दूँ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू में, यहाँ पर क्या बचा आपके पास वी स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर, या फिर इसको ऐसे लिख दो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में टू ए एस, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब वही बात है, एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस एक्स नॉट को चेंज नहीं किया, तो यहाँ लिखा हुआ है टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, तीनों इक्वेशंस आ गई, ठीक है, किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से। तो बहुत सिंपल है, कब, जब आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो, ठीक है, इसमें तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन यूज हुई है, बेसिक बेसिक सी, ठीक है, कर लोगे इसको, तो इसको अच्छे से करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।